मैं सन 1994 से, मतलब मैं क्या बताऊं, 1994 में मैंने पहली बार बाबा का नाम सुना और बाबा को जाना। मुझे बचपन से ही पेंटिंग्स और वो रंगोली बनाने का बहुत शौक रहा है। तो एक बार मेरे, मतलब मैं जहाँ सूरत में रहता हूँ, तो बिल्कुल मेरे बगल वाले घर में एक क्रिश्चियन फैमिली रहती थी, वो याती इजराइली थे। तो उनमें एक हिंदू लड़की ने वहाँ शादी की थी और वो बाबा के फोटो की पूजा किया करती थी। तो मुझे लगता था कि वो उन लोगों के भगवान है या जो भी है, तो मुझे पता नहीं था। तो बस मैं पेंटिंग्स बनाने के शौक होने की वजह से मैंने बाबा का एक बार रंगोली बनाया था। तब मुझे मेरे दोस्त ने बताया कि अरे तू ये जानता है जिसकी तूने तस्वीर बनाई है वो कौन है? मैंने बोला नहीं, ये तो वो बाजू वाले के भगवान है। तो वो बोला अरे पागल, वो उन लोगों के भगवान नहीं, ये तो शिरडी के साईं बाबा है। तब मुझे पहली बार पता चला कि ये शिरडी के साईं बाबा है। फिर जब मेरी बारी आई तो 1998 में मैं पहली बार यहाँ शिरडी आया और तब से लेके आज तक आ ही रहा हूँ। जय, मतलब बाबा ने आपके ऊपर कृपा की है। हाँ, और मेरे से ये सब करवा रहे, ये सब उनकी ही कृपा है और कुछ नहीं। जी, मेरा नाम जिग्नेश सिंह राजपूत है और मैं सूरत शहर में रहता हूँ। वैसे तो मुझे बाबा के काफ़ी अनुभव आए हैं, उनमें से जो मैं फिलहाल कर रहा हूँ, तो इंटरनेट पर और गूगल के माध्यम से उनके ऊपर अगर आप सर्च करते हैं तो saiamritdhara.com करके एक वेबसाइट है, जिनके ऊपर अगर आप सर्च करते हैं तो बाबा के जीवन काल में जो बाबा को मिले थे, ऐसे बाबा के कहीं भक्तों के घर पे जाकर मैंने उनसे पूछताछ की है, उनके फैमिली ट्री बनाए हैं और ये saiamritdhara.com को दिए हैं। और जहाँ से मैंने शुरुआत की थी ये भक्तों के घर पे जाने के लिए, तो उसमें यहाँ चावड़ी में, मतलब जो बाबा के भक्त हैं उन लोगों को पता ही होगा जो पहले से आते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर जो चावड़ी में जो फीमेल ब्लॉक है, मतलब जहाँ पर लेडीज जाते हैं, वहाँ पर बहुत बड़ी तस्वीर हुआ करती थी वो बाबा की। तो वो जिन्होंने बनाई थी उनका नाम श्री अंबाराम एल कहर है और वो हमारे सूरत से 30 किलोमीटर की दूरी पर नवसारी में ही रहते हैं। तो बाबा की शताब्दी वर्ष के एक साल बाद मैंने उनका घर ढूंढा, बहुत मुश्किल से उनका घर ढूंढा, वहाँ पर पूछते पूछते मैं उनके घर पहुँचा और आखिरकार उनका घर मुझे मिला और उनके फैमिली को मिलने का मुझे मौका मिला। और तब तक किसी को पता भी नहीं था कि अंबाराम एल कहर, उन्होंने यहाँ पर समाधि मंदिर में जो बाबा की मूर्ति है उससे पहले, मतलब सन 1953 में उन्होंने ये बहुत बड़ी मानव कद पेंटिंग्स बनाई थी। तो उस जमाने में वो काफ़ी आकर्षित हुई थी और हमारे सूरत के एक दैनिक अखबार है गुजरात मित्र और गुजरात समाचार संदेश, वो काफ़ी हमारे यहाँ प्रसिद्ध अखबार है जो हर रोज निकलते हैं, तो उनमें भी ये काफ़ी चर्चित रहा था उस जमाने में, सन 1953 में बाबा की मूर्ति आने से पहले। तो उनके घर पे जाने के बाद मुझे उनकी तस्वीर देखने को मिली जो मैं आज आपके, आप सब साईं भक्तों के साथ शेयर करूँगा। ये है वो अंबाराम एल कहर जो स्वामी विवेकानंद जी की पेंटिंग्स बना रहे हैं। तो ये है वो अंबाराम एल कहर जिन्होंने वो पेंटिंग्स बनाई थी, मैं उनके घर पे गया था, उनके परिवार से मिला। आज उन्होंने जो पेंटिंग्स बनाई थी वो ये है, जो पहले, आज से कुछ साल पहले तक चावड़ी महाराज की, आज से कुछ साल पहले तक ये चावड़ी में थी, अब बाबा के लेंडी बाग में पारायण हॉल में वो अभी है। तो बस ये तब से मैंने शुरुआत की और ऐसे काफी सारे भक्तों के घर जाकर मैंने एक्सपीरियंस किए हैं और उनसे मिला, उनके परिवारों से मिला और काफी मटेरियल्स मैंने saiamritdhara.com को दिए हैं। बस ये का नाम बता दीजिए।
परिवार से, जो भक्त लोग से परिवार। हाँ, और जो जो परिवार से मैं मिला हूँ उनमें एक तो डीडी नेहरोई है, जो यहाँ पर बाबा की स्टोन के ऊपर, बाबा की मूर्ति पत्थर के ऊपर जो पेंटिंग्स बनी है वो उनसे मिला हूँ। फिर वो नाना साहेब चांदोदकर फैमिली, हरिविनायक साधे फैमिली, फिर बालाजी पिल्लव जी गुरव मालसापति, ऐसे बहुत सारे बाबा के भक्त हैं जिनके घर पे मैं गया हूँ और उनसे मिला हूँ। चंद्राबाई बोरकर और मुंबई में, पुणे वगैरह में काफ़ी जगह हरि विनायक साथ है। और ये साई अमृतधारा .com में जो बाबा के महाभक्त हैं उनमें लगभग 50 प्लस जो बाबा के डिवोटीज है, जो बाबा को जब बाबा हयात थे उस वक्त मिले थे, ऐसे लोगों के पेज में मेरा नाम है, ऐड है। ओम साईं राम।